किसानों की हक की आवाज हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, तो हरियाणा के एकमात्र विधायक हैं जो चंडीगढ़ विधानसभा में दहाड़ते नजर आते हैं, जो अभी अभी कैमरे के सामने से निकले हैं। गांव बलंबा में हूँ। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। बलराज जी, अगर बात करें ऐसी क्या बेबसी हरियाणा में देखी गई तमाम पार्टियों के, सत्ता की या विपक्ष की, जिससे कि बलराज कुंडू को अपना ही मंच खड़ा करना पड़ा और लोगों की सेवा के लिए मैदान में आना पड़ा? देखिए, आप सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि मैंने विधानसभा में खड़ा होकर इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की समस्या, मैंने उस युवाओं के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, कि उनके साथ कर रही सरकार के खिलवाड़ वाली नीतियों के खिलाफ मैंने कितनी आवाज उठाई, मैंने वहां किसान के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कितनी आवाज उठाई, मैंने गरीब के साथ सीटी के नाम पर राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनकी उनके जो है पेंशनें काटी जा रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट, बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदेश का युवा आज नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, प्रदेश अपराध में नंबर वन हो गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अनेकों जो मुद्दे थे प्रदेश में, आज सड़कों का बुरा हाल है, पीने पानी की बदहाली है, खेतों के पानी की बदहाली है, सरकार को यही नहीं पता किसान को कितने दिन में पानी देना चाहिए, 3 दिन नहर चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, किसी का एक आता है किसी का मिलता ही नहीं, ऐसे बंदर बांट कर रखी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं किसान की क्या दर्द होते, क्या तकलीफ होती। उस सब के लिए मैंने आवाज उठाई, लेकिन उस विधानसभा के अंदर मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरा साथ देने। रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। ने वाला वहां कोई विधायक मुझे नजर नहीं है। जब मैंने इस बात की तकलीफ देखी, मैंने देखा ये पार्टी के नेता और गुलाम जिनको छोड़ देते हैं टिकट दे के, उनको कोई सरोकार नहीं अपने उन लोगों से, वो पार्टी के एजेंडे के ऊपर, पार्टी के लेबल के ऊपर जीत के आते हैं, वो जनता के नेता नहीं है। तो उस दर्द को समझ कर मैंने ये निर्णय लिया कि हम ऐसी पार्टी बनाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां अपने गुलामों को टिकट देती हैं, जो किसान का, मजदूर का पढ़ा लिखा बेटा बेटी है, जिसके अंदर वो दर्द है, उस दर्द को उनको एहसास होता है और वो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करने की सोच रखते हैं। ऐसे नए युवाओं को हम राजनीतिक मंच देने के लिए हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन किया है और आने वाली विधानसभा में ऐसे नए नए चेहरे, पढ़े लिखे यानी बलराज कुंडू सूटकेस और भारी बैग नहीं देखेंगे, जैसे आम जो पार्टियां वो देखती हैं। नहीं, मैं उनके पास एक भंडार देखूंगा, जिसके पास इस जनता का प्यार और आशीर्वाद का भंडार होगा ना, और जो पढ़ा लिखा ऊर्जावान है, ऐसे हमारे कैंडिडेट होंगे पार्टी। जैसे कि बेरोजगार की बात आपने करी, रोजगार की बात आपने करी, खट्टर साहब गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि प्रदेश में हमने बहुत कुछ करवा दिया, बहुत कुछ कर दिया, रोजगार हमने दे दिए। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट ना जाए। जिंदल कंपनी कैथल। खट्टर साहब हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, लेकिन उन बातों को क्या जाने खट्टर साहब। खट्टर साहब को क्या पता परिवार की तकलीफ क्या होती है, खट्टर साहब को क्या पता एक माँ की और बाप की तकलीफ क्या होती है, खट्टर साहब को क्या पता एक दादा दादी की तकलीफ क्या होती है, खट्टर साहब को क्या पता घर कैसे चलाया जाता है, खट्टर साहब को कैसे पता, क्या पता ये बच्चों की फीस कैसे दी जाती है, खट्टर साहब को क्या पता एक बेटी बच्चों का शादी करने के लिए नौकरी के इंतजार में माँ बाप का दर्द क्या होता है, वो अपने ऐस ले रहा राजा बनकर। खट्टर साहब की सिर्फ बातें बातें हैं, रातल का ज्ञान नहीं है खट्टर साहब को। यानी बलराज कुंडू का ईडी का डर खत्म हो गया? देखिए, सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम तो लगता है जनता आशीर्वाद देगी तो इसको बदलाव जो है इसका बदलाव करना है निश्चित रूप से। बिल्कुल, हमारे साथ बलराज कुंडू थे, लेकिन विजन क्या है वो तमाम चीजें हमने दिखाई। बलराज कुंडू ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरा एक ही विजन है कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और गरीबों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। उसी विजन को लेकर हरियाणा जनसेवक मंच लगातार जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो कहां देखते, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। कल रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट ना जाए। जिंदल कंपनी कैथल।